दोस्तों, इस इंटरनेट की दुनिया में हर कोई सोशल मीडिया पर फेमस होना चाहता है। बहुत से लोग इंटरनेट पर अपने टैलेंट और स्किल्स की वजह से फेमस होते हैं, तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो वायरल होने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। सोशल मीडिया पर अजीबोगरीब हरकतें करते हुए दिखाई देते हैं। वहीं बहुत सी गर्ल सोशल मीडिया पर फेमस होने और अपना नाम बनाने के लिए छोटे कपड़ों का सहारा लेकर वीडियोज़ बनाती हैं और अपने फॉलोअर्स बढ़ा लेती हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के बारे में बताएंगे जो फेमस तो काफ़ी हैं, लेकिन वो हर टाइम ट्रोल ही होते रहते हैं। कमेंट्स में लोग उनको जमकर गालियां देते हैं। सो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो का एंड तक जरूर देखना एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं और आपको मिलवाते हैं सोशल मीडिया के 5 सबसे हेटेड पीपल्स से। नंबर 1, सोफिया अंसारी। दोस्तों, सोफिया अंसारी को सोशल मीडिया के ज़्यादातर यूज़र्स जानते हैं और अभी इनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर 9 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। लेकिन सोफिया अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए अपने वीडियोस में बहुत छोटे छोटे कपड़ों का सहारा लेती हैं एंड अपने बॉडी पार्ट्स को दिखाकर अपनी वीडियो को वायरल करा लेती हैं। आए दिन कोई ना कोई यूट्यूबर सोफिया अंसारी के ऊपर रोस्ट वीडियो बना देता है एंड सोफिया को लोग कंट्रोवर्सी क्वीन भी बोलते हैं। सोफिया को पहचान टिकटॉक से मिली थी एंड टिकटॉक पर भी सोफिया ऐसे ही बाहियात वीडियोस डालती थी जिनको लोग लाइक तो कर देते थे लेकिन कमेंट में इनको गालियाँ लिखते थे। सोफिया बताती हैं कि वो काफ़ी मॉडर्न सोच रखती हैं और इसलिए वो कपड़े भी मॉडर्न ज़माने के ही पहनती हैं और उनकी फैमिली में भी उन्हें ऐसे कपड़े पहनने और ऐसे वीडियोज़ बनाने के लिए कोई मना नहीं करता है। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं लोग सोफिया की हॉट वीडियोज़ से गलत इन्फ्लुएंस होते हैं। नंबर 2, दीपक कलाल। दोस्तों, वैसे तो दीपक कलाल एक फेमस यूट्यूबर हैं। दीपक कलाल के अभी यूट्यूब पर 4 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन दीपक कलाल अपने बेकार वीडियोस से चर्चा में बने रहते हैं। ये कभी भी अपनी वीडियोस में लोगों को सही चीज़ें नहीं सिखाते। दीपक कलाल अपने यूट्यूब चैनल पर रोस्ट वीडियोज़ भी बनाते हैं और आए दिन कंट्रोवर्सीज में फंसे रहते हैं एंड कई बार तो दीपक कलाल को उनके बेकार वीडियोज़ के लिए पिटाई भी खानी पड़ी है। दीपक कलाल कभी मर्द बनकर वीडियोस बनाते हैं तो वो कभी औरत बनकर वीडियोस बनाते हैं। लोग इनकी वीडियोस को एंजॉय तो खूब करते हैं लेकिन मजाक भी इनका जमकर उड़ाते हैं। कई बार तो दीपक कलाल के ऊपर कई लोगों ने FIR भी दर्ज करवाई थी क्योंकि ये कभी भी बिना कुछ सोचे समझे किसी के ऊपर भी रोस्ट वीडियो बना देते हैं और बाद में पंगा हो जाता है। नंबर 3, नेहा सिंह। दोस्तों, नेहा सिंह भी सोफिया की तरह ही वीडियोज़ बनाती हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता। ये अपने वीडियोज़ में काफ़ी अजीब अजीब डांस करती हैं और अपने बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स को दिखाकर फॉलोअर्स बढ़ा लेती हैं। अभी नेहा सिंह के इंस्टाग्राम अकाउंट पर 4 मिलियन फॉलोअर्स कंप्लीट होने वाले हैं जिनमें से आधे से ज़्यादा फॉलोअर्स तो इनको ट्रोल ही करते हैं। नेहा को फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन इनकी वीडियो देखकर क्या बोलेगा, बस इनके वीडियो वायरल होने चाहिए और फॉलोअर्स बढ़ने चाहिए। नेहा को भी पहचान टिकटॉक से मिली थी एंड नेहा टिकटॉक पर भी ऐसे ही अश्लील वीडियोज़ बनाकर पोस्ट करती थी। नंबर 4, थाराभाई जोगिंदर। भाई आज खाऊंगा पपीता, पपीता खाऊंगा पपीता। जो जोगिंदर, थाराभाई जोगिंदर इतने पपीते खाएगा, इतने पपीते खाएगा किसी ने सोची नहीं होगी। दोस्तों, थाराभाई जोगिंदर नाम आपने कहीं ना कहीं जरूर ही सुना होगा। जोगिंदर एक फेमस यूट्यूबर हैं और इंस्टाग्राम स्टार हैं। ये भी दीपक कलाल के तरह ही यूट्यूब पर रोस्ट वीडियोज़ बनाते हैं और आए दिन किसी न किसी कंट्रोवर्सी में फंसे रहते हैं। साथ ही जोगिंदर गरीबों की भी काफ़ी हेल्प करते हैं। अभी कुछ महीनों पहले जोगिंदर पर 2 करोड़ का स्कैम करने के लिए एक केस भी लगा था जिससे ये और भी ज़्यादा फेमस हो गए थे। क्या सच में जोगिंदर ने 2 करोड़ का स्कैम किया था, इसकी कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन तभी से पब्लिक ने इनको हेट करना और इन पर रोस्ट वीडियोज़ बनाना शुरू किया था। साथ ही जोगिंदर अपनी फ़नी वीडियोज़ के चलते भी सोशल मीडिया पर ट्रोल होते रहते हैं। नंबर 5, उर्फी जावेद। दोस्तों, उर्फी जावेद एक फैशन मॉडल और फैशन डिजाइनर हैं, लेकिन इनका फैशन कभी भी लोगों के समझ में ही नहीं आया। ये कभी कॉटन कैंडी से बनी ड्रेस पहन लेती हैं तो कभी ये फ़ोटोज़ को अपने बदन पर चिपकाकर उसको ड्रेस बोलती हैं। अपनी इन्हीं अजीबोगरीब हरकतों की वजह से उर्फी जावेद को आए दिन ट्रोल होना पड़ता है। लोग इंस्टाग्राम पर उर्फी के फ़ोटोज़ और वीडियोज़ के कमेंट सेक्शन में भर भर के इनको गालियाँ लिखते हैं और इनको ढंग के कपड़े पहनने के लिए बोलते हैं, लेकिन उर्फी पर लोगों की बातों का कोई असर नहीं पड़ता, बस उनके फॉलोअर्स बढ़ने चाहिए। एंड ऐसे ही अजीब अजीब फ़ोटोज़ और वीडियोज़ शेयर करके उर्फी ने अभी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर 3.5 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर्स कर लिए हैं। तो दोस्तों, ये थे सोशल मीडिया के 5 ऐसे इन्फ्लुएंसर्स जो बहुत ज़्यादा ट्रोल होते हैं। आप इनमें से किसको पसंद करते हो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना एंड अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में।